सो के साथ की स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का टाइपोग्राफी फेस टेक्स एडिट कर सकते हो पिक्सेल एप्लीकेशन के मदद से। तो अगर आपको अपने फोटो को कुछ इस तरह का एडिट करना है तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है और कहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो अपने फोटो को। बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। वैसे भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा कि बैकग्राउंड को कैसे ब्लैक करते हैं। तो फोटो को सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है इसके अमाउंट को कर लेंगे यहाँ पे -100। तो हमारा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 6% सही रहेगा। कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज ताकि फोटो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लगे, 34 से रहेगा। फिर हाईलाइट्स को इंक्रीज करूँगा, शैडो को डिक्रीज और यहाँ से डन। तो ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लैक करने के लिए ड्रॉ टूल पे जाएंगे और यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से डन। नेक्स्ट में यहाँ पे ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, साइज़ को रख लेंगे कुछ इतना, हार्डनेस को डिक्रीज थोड़ा सा और साइज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ और इस तरह से जस्ट आपको बॉर्डर में अप्लाई कर लेना है। मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड में वॉल होगा या फिर जो भी होगा उस पर आपके यहाँ पे ब्रश कर लेना है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसका बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो मैंने यहाँ पे अपने जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देख सकते हो। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट में अभी जाएंगे फिर से ड्रॉ टूल पर और इस बार हमें यहाँ पे जो ऐड ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद आपको इस तरह से इसे जूम कर लेना है अपने फेस के ऊपर और इस तरह से एडजस्ट करने के लिए वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पर जो इफेक्ट है जो कि नॉर्मल में अभी, इसे आपको यहाँ पर कर लेना है स्क्रीन में। स्क्रीन करने का देख सकते हो इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर टैप कर देना, ये हो जाने के बाद आपको वाला जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके एमडी लेयर पर क्लिक कर देना है और वापस से ऐड ऑब्जेक्ट पर जाकर फोटो पर जाना और इस बार एक और टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक के पास एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके भी इफेक्ट को कर लेता हूँ स्क्रीन और यहाँ पे कहाँ पे भी टैप कर देना। नेक्स्ट इन दोनों लेयर को आपको मर्ज कर देना है, तो इसके लिए 3 डॉट वाला आइकॉन पे क्लिक करना और मर्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके एमडी लेयर पे क्लिक कर देना, फिर से ऐड फोटो पे जाना और यहाँ पे एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेना। इसे हम एडजस्ट करेंगे ये वाले साइड पर, इसके भी इफेक्ट को कर लेंगे स्क्रीन और इसके भी यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मर्ज कर लेंगे। तो देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेयर है जो कि मॉडल का है, इसे हम यहाँ पे ऑफ कर देना, तो देख सकते हो रिमूव हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सिर्फ इसी को यहाँ पे सेव कर लेंगे, तो हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद वापस से इसे ऑन कर लेना और टेक्स्ट वाले लेयर को ऑफ कर देना क्योंकि हमने इसे अभी सेव किया था और यहाँ से डन। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड फोटो पे जाएंगे और हमने जो अभी सेव किया था उसे ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद सिंपली जस्ट आपको इस तरह से फुल स्क्रीन करना है, फिर यहाँ पे जाना ब्लेंड वाला ऑप्शन पे जो कि रहा और ब्लेंड को यहाँ पे कर लेना मल्टीप्लाई। तो देख सकते हो हमारा टेक्स्ट इस तरह का आ जाएगा अपने फेस पे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे और ओपेसिटी को रख लेंगे लगभग इतना, 40% से रहेगा। तो हमारा फोटो यहाँ पे एडिट हो चुका है, देख सकते हो, यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद इस फोटो को सेव करने के लिए ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आई गेस मैंने आपको काफी इजी वे में इस तरह का फोटो कैसे एडिट करते हैं सिखा दिया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।